अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, कितना वक्त गुजरता है आपका इस्लामाबाद में और कितना मियांवाली? मोस्टली मियांवाली, ज्यादा मियांवाली यहाँ पे कम है। हालांकि यहाँ पे मैं 85 से आ रहा हूँ वाले साहब के साथ, बहुत छोटा था, बट यहाँ पे कोई दिल नहीं लगा। मैं इसे शहर बेवफा कहता हूँ। इसे शहर इक्तदार कहते हैं लोग इसे। मैं शहर इसलिए तो शहर बेवफा कहता हूँ। अच्छा, कि इसमें बेवफाई ज्यादा है। हर आने वाले को ये खुश आमदेद कहता है और जाने वाले की बुराइयां करता है, तो इसलिए इसे कभी दिल नहीं लगा। अच्छा, लेकिन हैं तो आप इक्तदार में, हिस्सा भी हैं गवर्नमेंट का और रहे भी हैं आप इस पावर पॉलिटिक्स में, पावर कॉरिडोर, तो फिर गुलाम गर्दिशें। जी, गुलाम गर्दिशों में, बिल्कुल गुलाम गर्दिशें। इसलिए कहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये बड़ी जालिम चीज है। बदकिस्मती से पॉलिटिक्स की जो असल, मैं समझता हूँ, स्पिरिट थी कि आपने डी मेरिट्स के खिलाफ ना उठ खड़ा होना, लेकिन अब जो है वो इसके अगेंस्ट चली गई है चीजें। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने आके ना दोबारा इसको अपने असल ट्रैक पे डाला। तो अब तो दिल लगना चाहिए आपका, अब तो ये लेकिन इसको दिल से नहीं लगा के रखना चाहिए। अच्छा, दिल से नहीं लगा के रखना चाहिए, इसलिए कि आपके लोग मुश्किल में हैं, उनके मसाइल हैं। देखिए, इस पाकिस्तान की आवाम के साथ जो वादे किए गए थे ना, जब मुल्क, जब हमने एक दूसरे को एक इमरानी माहदे के नीचे जो है ये मुल्क बनाया, तो उसके बहुत सारे, इसके एक दूसरे के लिए हमने स्पेस निकाली, जिसे आप करारदाद मकासद भी कहते हैं जी। उसके नीचे लोगों को हकूक की बात थी, आम आदमी की बात थी, अकलियतों की बात थी, सबको ऑन बोर्ड लिया गया था, तो जिसके नीचे ये पाकिस्तान जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। लेकिन बदकिस्मती से एक टाइम के बाद ये पाकिस्तान उस ट्रैक पे नहीं जा सका जिस पे जाना चाहिए था। लेकिन हम अब दोबारा एक स्ट्रगल कर रहे हैं इमरान खान की क्यादत में कि ये पाकिस्तान उस तरफ जाए, लेकिन इसे अभी थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, ओवरनाइट चीज़ें, क्योंकि आपने पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है इसमें आपने कांटे ही पोए हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि हर एक टाइम टू टाइम जो है ना इसमें आप फसलें उगाते रहे हैं, नफरतों की, करप्शन की, इसके इदारों को तबाह करने की, नेशनलाइज कर लिए गए जैसे इदारे रातों रात, अब पाकिस्तान की आवाम के रातों रात जो है वो फ्रीज कर दिए गए।